जो मेरा एरिया है ना, जब भी नेशनल न्यूज में आता है तो ये बॉर्डर फायरिंग, बॉर्डर शेलिंग इन्हीं के लिए ही आता है। मैं चाहता हूँ कि लोग पहचाने कि हाँ, जब मैं हॉट सीट पे बैठूं कि हाँ, मैंडर पुंच से पहली बार कोई नेशनल टीवी पे जाके अमिताभ जी के सामने बैठा है, उससे मेरे पूरे एरिया एक अपलिफ्टमेंट होगी। पहले क्या था, बॉर्डर्स पे शेल्स एक्सचेंज हो रहे थे, बॉम्ब एक्सचेंज हो रहे थे, बट अभी एक दो महीने हो गए, जैसे ईद हुआ है, रक्षाबंधन हुआ है, इंडिपेंडेंस डे हुआ है, स्वीट्स एक्सचेंज हो रही है और लोग इतने खुश है वहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वेरी प्राउड क्योंकि आज हमारे बीच बैठे हैं सरबीर सिंह। वेल, ये पुंछ से हैं और इन्होंने रिसेंटली केबीसी में हॉट सीट तक पहुंचे हैं। वेल, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर श्योर क्योंकि आप ये ऑफिसर से एसोसिएटेड हैं काफी टाइम से, और जब कोई भी ऐसी अचीवमेंट होती है, पुट इट बी एट एनी स्केल, इट्स ऑलवेज वर्थ अप्रिशिएटिंग। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मेरा एक ना काफी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था, जैसे कि प्रीति मैम को तो हम सब जानते हैं, वो भी पुंछ से बिलोंग करते हैं और आप भी पुंछ से बिलोंग करते हैं, आखिर क्या है ऐसा पुंछ में कि वहाँ से सारे इंटेलेक्चुअल्स निकल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द ऑफिसर, द होल टीम ऑफ ऑफिसर्स जिन्होंने मुझे आज ऑनर किया, यहाँ बुलाया और मेरी सक्सेस को अप्रिशिएट किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं सरबजीत सिंह साहनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं एज ए स्कूल टीचर काम कर रहा हूँ और ऑफिसर से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ। तो मेरी जो जर्नी है, मैं भी एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट था, काफ़ी टाइम मैंने एग्जाम्स दिए, इंटरव्यू तक भी पहुँचा। तो मैम, जो प्रीति मैम है, क्योंकि वो पुंछ से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम मुझे गाइड भी किया कि इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, काफ़ी हेल्प की। इवन इन केबीसी मुझे स्टार्टिंग से गाइड करते थे कि इन टॉपिक्स को पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो बड़ा अच्छा रहा। जो उनका एसोसिएशन है मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से है, इसलिए मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, ऑफिसर्स की। तो थैंक यू। इंटेलेक्चुअल पूछा है हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि हमारे पुंछ में बहुत ज़्यादा मोल पढ़ने का है, क्योंकि आप खुद वहाँ से हो, आपने कॉलेज भी शायद पुंछ से किया है, तो हमारे पुंछ पे पढ़ने का मोल बहुत है क्योंकि हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, वहाँ पे कोई लाइक इंडस्ट्रीज हैं या बिजनेस भी वहाँ पे कुछ इतना नहीं है, तो वहाँ पे माहौल ही ऐसा है कि हम शुरू से बहुत पढ़ते हैं। तो इस वजह से अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे, पुंछीज आपको हर फील्ड में मिलेंगे, और इनफैक्ट केबीसी में कमी थी तो आज वो सरबजीत सिंह पूरी हो चुकी है, क्योंकि हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं उनका माइंड सेट ऐसा है कि जैसे मैम ने बोला कि जो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज है बड़ी कम है, तो उनका बचपन से ही रहता है कि पढ़ेंगे तो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो तभी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। तो पढ़ना बड़ा जरूरी है, इंटेलेक्चुअल्स पढ़ने से ही निकलेंगे। तो अभी हमारे वहाँ से काफ़ी IAS AS आ रहे हैं, तो उनकी जो गति है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स की है, राइटली मैम ने बोला। वेल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि पढ़ाई के अलावा वहाँ पर और कोई ऑप्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि पुंछ को कंसिडर किया जाता है एक बॉर्डर एरिया, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आर लेस। बट फिर भी मेरे ये चीज काफी हमारे दर्शकों को भी शायद थोड़ी सी ऐसे अलग सी लगेगी कि आप वहाँ से बिलोंग कर गए, आपने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की है, तो ये कैसे आपने कैसे इस जर्नी को पॉसिबल बनाया कि आप वहाँ से ऐसे एरिया से उठकर तो आप डायरेक्टली केबीसी तक पहुँचे? मेरी जो जर्नी है केबीसी की काफ़ी लंबी नहीं है, इसी साल से वो शुरू हुई है। केबीसी तो हम आई थिंक 20 ईयर्स से देख रहे हैं, तो 20 ईयर्स से पढ़ भी रहे हैं, जैसे जैसे केबीसी टीवी पे आ रहा था तो हर बार साथ साथ में हम उसके क्वेश्चंस के रिप्लाई करते थे, बट ऐसा है कि कभी कोशिश नहीं की कि हम भी वहाँ जाएं। तो इस साल कुछ ऐसा हुआ कि इवन मेरे खुद के स्टूडेंट्स थे, इवन प्रीति मैम ने थोड़ा सा मुझे पुश किया, उन्होंने बोला कि अगर आप साथ साथ में रिप्लाई कर रहे हो, आपको नॉलेज है, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो फिर मैंने भी इस साल कोशिश की। तो एक 4-5 महीने का एक प्रोसीजर है केबीसी का, सारे को मैंने फॉलो किया, बीच में छोड़ा नहीं। तो जैसे जैसे मेरे फोनिंग इंटरव्यूज, राउंड्स, ऑनलाइन इंटरव्यूज, ये सब चलते गए, तो एक वन आफ्टर अदर मैं वो क्लियर करता गया और फाइनली मैं
केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचा। तो इसका जो श्रेय है, जो मोटिवेशन फैक्टर काफ़ी सारे हैं पीछे। पहले तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, तो उसमें जो भी हमारी डे टू डे जो टॉक हो रही है वो एजुकेशन पे ही होती है। दूसरा स्टूडेंट्स हैं, जब उनको आप पढ़ाते हो तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। फैमिली है, और तीसरा जब ऑफिसर जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं जो अभी लोगों को इतना प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी किसी के अच्छे मुकाम तक पहुँचे, अगर आप उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हो तो वो आपको हेल्प जरूर करते हैं कि आप ऐसी जगह पर जाओ अपना नाम रोशन। ये जर्नी जो है जिस हिसाब से आपने डिक्टेट की है, लग तो आसान रही है, बट आई एम श्योर उतनी आसान होगी नहीं। तो मैं एक चीज जो मैं प्रीति मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम, जैसे इन्होंने बताया कि आपसे रिलेटेड है, तो आपको ये कैसे कैसा फील होता है जब आपको पता चलता है कि जो आपसे एसोसिएटेड है वो इतनी अचीवमेंट्स जो है वो वन ऑफ द ईयर अचीव कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब भी मेरे स्टूडेंट्स कुछ क्वालिफाई करते हैं, लाइक आई केएस को काफी स्टूडेंट्स मेरे गए, बट इस तरीके की खुशी मुझे मिली कि ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि इतने नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर मेरे से एसोसिएटेड कोई कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल अगर नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है। इनफैक्ट इनको देख के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जो अब इंस्पायर्ड होंगे, वो वहां जाना चाहेंगे। केएस की जर्नी जो है वो विद इन द स्टेट रहती है, अगर उनको कुछ रिकग्निशन मिलती है, ये बच्चे क्वालिफाई करते, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे क्वालिफाई करें, बट वो स्टेट के अंदर रहता है। लेकिन इतना नेशनल लेवल पे कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो उस अपॉर्चुनिटी में इतना खड़े उतरेंगे, क्योंकि केबीसी गेम जो है वो कोई लक वाली गेम नहीं कि लक लिया वहां में चले जाओगे। वहां में बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, और जो प्रेशर होता है उस पूरे स्टेज का और इतनी बड़ी पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन के सामने जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और वहां पे रह के क्वेश्चंस का आंसर करना और कॉन्फिडेंस से करना, और ऐसे एरिया से बिलोंग करना जहाँ पे एक्सपोजर बहुत कम है, हम लोगों को कुछ भी कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। अब तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत ग्लोबलाइज हो गई है पूरी दुनिया, एक दूसरे को जानते हैं मोबाइल से, हमारे टाइम पे तो शायद मोबाइल से कुछ भी नहीं था। तो ऐसी जगहों से निकल के इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाना और वो लोग जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगी कि जितने भी लोग, चाहे वो जेएनके की किसी भी फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते, उनको कभी भी डीमोरलाइज या डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये होकर आए और इतना कॉन्फिडेंटली वहां पे उन्होंने खेला है। इनफैक्ट वो तो आप आज मंडे को और ट्यूजडे को शायद आपका एपिसोड है, वहां पे आप देख लीजिएगा कि वो कितना अच्छा वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक सरबजीत जो थे वो पहुंचे हैं। और मैं चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट जब भी वो किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का सोचते हैं, वो ये नहीं सोचे कि मुझे वहां जाके क्या कमाना है, वो ये सोचे कि मैंने क्या कमा लिया है क्योंकि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूं। वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो नॉलेज है, वो आपकी वहां पे चेक होगी। ये नहीं होगा कि आपने कितने पैसे कमाए, इनफैक्ट आप कुछ भी कमाएंगे, लेकिन वहां पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं फिर से सरबजीत को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छा जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, इन पर्टिकुलरली पुंछ का नाम बहुत रोशन किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज सरबजीत मेरे साथ यहाँ पे। वेल ऑब्वियसली एक टीचर के लिए ये हमेशा एक प्राउड मोमेंट रहता है जब उनके साथ एसोसिएटेड कोई भी किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां पर एक रिस्पेक्ट गेन करे। वेल मेरा आपसे एक, क्योंकि जैसे हमारी नॉर्मली ऑडियंस जो है वो आईएसएफ केएस से रिलेटेड है और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स है, और सिमिलरली आप भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, तो हाउ वुड यू लाइक टू जस्ट कंक्लूड कि मतलब हमारी ऑडियंस को आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहिए? मैम जैसे मैंने पहले बताया कि मैं खुद एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट था, मेरी यही जो जर्नी है सिविल सर्विस एस्पिरेंट की है, तो उसमें 9 ऑनवर्ड स्टार्ट हुई। मैंने हर बार प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, मेंस एग्जाम दिए, एक बार मेंस भी क्लियर हुआ मेरा, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा रहा कि मैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कभी मेरा नाम आया नहीं। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, मैं जॉब भी कर रहा था, ट्यूशन्स कर रहा था, बट साथ साथ में ये था कि मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे एक राइट डायरेक्शन नहीं मिली हमेशा कि किस तरह से क्या चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ये मेरा थोड़ा सा एक लैकिंग रहा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, मेरा उन सबका सबके लिए एक छोटा सा एक संदेश है इनसे कि आप अपनी तैयारी हमेशा किसी की गाइडेंस में करो। पर्टिकुलरली जैसे कि ऑफिसर्स एक बड़ा अच्छा भी हमारा जे एंड के में एक नाम है,
जो हर साल हमें एएस ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स दे रहा है। तो मेरा सबसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट जैसा ऑफिसर जैसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन मिले, आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और साथ साथ में आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने पानी में हो, कहाँ तक पहुँचे हो, और फाइनली ताकि गॉड आपको सक्सेस दे, आपकी सिलेक्शन हो और सारे एस्पिरेंट्स जितने भी हो वो सिविल सर्विसेज को क्रैक करो और इवन हमारे स्टेट का ये इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, और आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन जरूर आई होगी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इंडिया में बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, काफी वास्ट है, काफी डाइवर्स है, और रही बात तो इनमें हर एक टाइप की क्लासिफिकेशन है, क्या इंटेलेक्चुअली हो गए या फिर आपके कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल में फोकस्ड हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी उस एनर्जी को यूटिलाइज करें, और क्योंकि ऑफिसर्स के साथ एसोसिएटेड जितने भी बच्चे हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, यू ट्राई योर लक, यू यूज योर इंटेलेक्चुअल, और फिर कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली आपके थ्रू ही सही तो ऑफिसर्स को आप पर बहुत प्राउड फील होगा। और मैं फिर से एक बार सरबजीत जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच आप आए और आपने हमें इतना टाइम दिया, और That's all for today. This was our conversation with Sarjeet Singh. See you until the next time. Stay tuned with the officers.